हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और मैं लूम सोलर का सर्विस इंजीनियर हूँ। आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे एक सोलर सिस्टम में यूज़ होने वाले एक छोटा सा इक्विपमेंट है, बट ये काफ़ी वैल्यूएबल इक्विपमेंट है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। एमसीबी के बारे में। एमसीबी होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, MCB सेलेक्ट कैसे करते हैं, MCB के टाइप्स कितने हैं, MCB के प्राइजेस क्या हैं और जनरली ये कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या कहाँ से आपको ईजिली मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं MCB होता क्या है। MCB को आपने सभी ने देखा ही होगा, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मीन्स ये आपका एक एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस और सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। जनरली आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड होता है वहाँ पे आप मल्टीपल MCB लगी रहती हैं, कुछ लोड के लिए होता है, कुछ मेन सर्किट के लिए होता है, जो कि आपके एप्लीकेशंस जो आपके घर में अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। कभी ओवरलोड हो, ओवर करेंट हो, तो उन सब चीज़ों से आपके अप्लाइंसेस प्रोटेक्ट हो जाए। उसी तरीके से सोलर सिस्टम में भी MCB यूज़ होता है। जनरली आपने देखा होगा 1 kW का सिस्टम हो या मोर देन 1 kW का सिस्टम हो, उसके अंदर आपको ACDB, DCDB दी जाती है जिसके अंदर MCB लगी रहती है। जो MCB होती है जनरली दो टाइप की होती है, AC MCB, DC MCB। जो AC MCB होता है उसके अंदर यूज़ के बिहाव पे आपको डिफरेंट MCB मिल जाएगी, सिंगल पोल की, टू पोल की एंड फोर पोल की। जो आपकी DC MCB होती है जनरली वो टू पोल्स की होती है। जो आपका DC सिस्टम होता है उसके लिए DC MCB ही रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा AC और DC में डिफरेंस होता है। जो AC पावर होता है वहाँ पे जो आपको MCB मिलेंगी वो करंट एंड वोल्टेज रेटिंग के बिहाव पे मिलेंगी, जैसे सिंगल फेज के लिए 260 वोल्ट तक की, थ्री फेज के लिए 360 to 420 वोल्ट के लिए। बट क्या है, DC में आपको सर्किट के बिहाव पे डिफरेंट वोल्टेज लेवल होते हैं, जैसे 400 600 800, तो उसी टाइप से DC वोल्टेज भी, DC MCB भी आपको डिफरेंट वोल्टेज रेंज में यूज़ होती है, जैसे 400 वोल्ट की, 600 वोल्ट की और 1000 वोल्ट, इस टाइप से डिफरेंट होती है। अब जो ये MCB होती है इनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीन्स अगर आप MCB यूज़ करते हैं और उसका कोई बेनिफिट ना मिले, सर्किट आपका प्रोटेक्ट ना हो, तो वो वेस्ट है। तो उसके लिए इसका सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जनरली जो जिस सर्किट में भी आपको यूज़ करना है इसको, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें लोड करंट कितना होगा, लाइक 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, उसके बिहाव पे MCB सेलेक्ट होगी। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा क्या है, रनिंग लोड 20 एम्पियर है, तो उस केस में क्या है, जो भी रनिंग लोड होगा उसका हम 125% बिगर MCB वहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेम लोड का पुट करते हैं तो वो जब भी उस लोड पे रीच करेगा वो ऑफ हो जाएगा, तो हमें कभी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, 25% हमेशा बिगर MCB सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही वो ओवरलोड होगा 125% या उसके बिलो, वो ट्रिप कर जाएगा। इसी टाइप से हम DC MCB सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास क्या है, 20 एम्पियर्स का लोड है, तो उसके लिए 25 एम्पियर की MCB इनफ रहेगी। लेकिन जो मार्केट में आपको MCB मिलेंगी वो आपके कस्टमाइज एम्पियर रेटिंग के बिहाव पे नहीं मिलेंगी, वो स्टैंडर्ड रेटिंग की मिलेंगी, जैसे 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, इस टाइप से। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जो आपका रनिंग लोड होगा या लोड होगा उसके नियर बाई की रेटिंग का आप MCB यूज़ करेंगे। सपोज 20 एम्पियर का हमारा लोड था, 25 की हमें रिक्वायरमेंट है, बट 25 की MCB मिलेगी नहीं, तो इस केस में हम 30 एम्पियर का MCB यूज़ कर सकते हैं। जो सोलर सिस्टम में MCB यूज़ होती है जनरली 16 एम्पियर से लेकर के आपका 63 एम्पियर तक यूज़ होती है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो इस MCB की जो प्राइसिंग होती है उसका प्राइस रेंज होता है जनरली 300 से लेकर के 1200 के रेंज में आपको MCBs मिल जाएंगे।
जनरली जो MCB आप देखोगे मार्केट में, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड के MCB मिल जाएंगे, जैसे ABB हो गया, चिंट हो गया, हैवल्स हो गया, इस टाइप से मल्टीपल ब्रांड्स होंगे। किस ब्रांड की MCB अच्छी है या किस ब्रांड की MCB लेना चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से एक बार स्टडी करें, उसके बिहाफ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप ब्रांड खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये DC MCB या AC MCB परचेज करना है ईजली, या फिर आप होम डिलीवरी चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा वेबसाइट पेज www.loomsolar.com विजिट कर सकते हैं। जब आप पेज पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट MCB अवेलेबल होगी, AC DC MCB विथ प्राइस के साथ होगी। वहाँ पे उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन होते हैं, तो आप उसको स्टडी करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो आज ये MCB की बात हुई। अगर आपको सोलर से रिलेटेड और कोई कंपोनेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कंपोनेंट का नाम मेंशन कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि जो अगली वीडियो हो उस कंपोनेंट के ऊपर ही हो, जिससे कि उसकी भी आपको डिटेल ईजिली मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस जानकारी को अपने करीबी या खास लोगों को देने के लिए आप हमारा ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे।